So hello everyone, welcome to today's session of dark classes, and today we'll talk about the Indian Defence Training Institutions, यानि कि जहाँ पर डिफेंस की ट्रेनिंग होती है और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है और ये कब इस्टेब्लिश हुए थे. यानि कि जैसे कि आर्मी की लैंग्वेज में कहा जाता है, दे ब्रिंग्स आउट द मैंस आउट ऑफ फ्रॉम बॉयज. यानि कि जहाँ पर इंडियन डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, आज उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम जानने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC बोलते हैं इसको. ये देहरादून में लोकेटेड है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1922 में. द नेक्स्ट वन इज़ आर्मी कैडेट कॉलेज, ACC के नाम से ये जाना जाता है, और ये भी देहरादून में लोकेटेड है और ये भी 1922 में ही इस्टेब्लिश हो चुका था. द थर्ड वन इज़ एंड मोस्ट नोन अबाउट टू पर्सन्स, जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है और एक तरह से देहरादून की शान भी ये कहा जाता है, वो है इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA, जहाँ पर जो मिलिट्री के कैडेट्स होते हैं, जिनको जेंटलमैन कैडेट्स कहा जाता है, वो ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद सेना में एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं. और तो वो है देहरादून में और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1932 में. द नेक्स्ट वन इज़ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, HAWS इसको कहा जाता है, और ये गुलमर्ग कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि बनाया गया था 1948 में, इस्टेब्लिश किया गया था. और ये एक स्पेशल तरह का स्कूल है जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड यानी कि चट्टानों पर और हाई माउंटेंस पर कैसे एक वॉर को अंजाम देना है, कैसे वो ट्रिक्स और वो टेक्निक्स सिखाई जाती हैं इस स्कूल में, कि कैसे उस वॉर को लड़ा जाना है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे. एज यू नो कि हम दो तरफ से, एक तरफ से चाइना और एक तरफ से पाकिस्तान, दो तरफ से जो हमारे एनिमी कंट्रीज़ हैं वो हमसे लैंड माउंटेंस के थ्रू कनेक्टेड है हमारे बॉर्डर्स. और जो ज़्यादातर जो बैटल्स या लड़ाई जो हमने लड़ी हैं वो ज़्यादातर माउंटेंस में और चट्टानों में ही लड़ी हैं. तो उस हिसाब से ये स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेना के लिहाज से. द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल डिफेंस अकेडमी. ये नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड है खड़क कोसला में, NDA जिसको कहा जाता है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में. ये भी एक आर्मी का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसका एग्ज़ाम के लिए युवा यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC. द नेशनल डिफेंस कॉलेज इज़ इन न्यू दिल्ली और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में. नेक्स्ट इज़ ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ये है चेन्नई में. यहाँ पर ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में. द नेक्स्ट इज़ काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, ये है हमारा मिज़ोरम में और 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि सिखाता है कि जंगल में वॉर को कैसे अंजाम देना है, या फिर टेररिस्ट और जो रिहायशी और सिविल इलाकों में घुस जाते हैं और उनकी आड़ लेके हमला करते हैं आर्म फोर्सेस पर, उनसे कैसे निपटना है उस बारे में सिखाता है ये स्कूल. द नेक्स्ट इज़ कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ये लोकेटेड है हमारा सिकंदराबाद में और इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में. द नेक्स्ट इज़ कॉलेज ऑफ कॉम्बैट आर्मी वॉर कॉलेज, ये मऊ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में. द नेक्स्ट इज़ आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, ये आर्मी का एयर डिफेंस कॉलेज है, AADC इसको कहा जाता है. ये लोकेटेड है गोपालपुर उड़ीसा में और इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में. द नेक्स्ट इज़ आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग ASPT, ये लोकेटेड है पुणे में. तो ये थे आर्मी के जो प्रीमियर डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आर्मी अपने कैडेट्स को, अपने जवानों को ट्रेन करती है फॉर एवरीथिंग, और जो उन्हें बनाता है एक हार्ड एंड टफ आर्म्ड फोर्सेस के जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एक रफ एंड टफ यंगस्टर, एक रफ एंड टफ युवा कि हर युद्ध, हर बैटल के लिए रेडी रहता है, वेदर इट इज़ इन काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल और इन हाई एल्टीट्यूड. सो आपको एक सेशन हमारा कैसा लगा,
हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।